इस पॉडकास्ट में पावर्ड बाय ओल आर्ट स्टूडियो मैं आपका होस्ट करण करणवीज आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो जयपुर के बड़े मशहूर कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं 1970 में उनके पास लाइनें लगती थी कि अब वो हमारा खत लिखें या कुछ भी लिखवाने के लिए लोग उनसे टाइम लेते थे कि कब आए कब आए बहुत भीड़ होती थी बहुत ही मशहूर है जयपुर में वो और उनके लिए मेरे जहन में एक शेर याद आ रहा है समीम करहानी साहब का कि उनको समीम किस तरह नाम आरजू लिखें उनको समीम किस तरह नामे आरज़ो लिखे लिखने की बात कुछ और है कहने की बात कुछ और मगर इनका लिखा हुआ सबको बहुत पसंद आता है हम बात कर रहे हैं हरी शंकर बलोटिया साहब की कैसे सुंदर आप नमस्कार नमस्कार सर बिल्कुल दुरुस्त और क्या है कि बरसों से ये काम चल रहा है और बरसों से ये एक तरह की मतलब लिखने का एक तजुर्बा है वो अब हो चुका है और लिखने में क्या है कि हम लोग जनरल आदमी रोज लिखता कुछ न कुछ बिल्कुल लेकिन जो लिखावट है जी वो आपकी कैसे दुरुस्त हो कैसे सही हो और कितनी बढ़िया हो कितनी सुंदरता हो पकड़े जी उसी को हम कैलीग्राफी कैलीग्राफी कह सकते हैं या कैलिग्राफी तब ही बनती है जब किसी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट से या किसी बढ़िया या तरीके की इस एक उसमें एंगल होता है एक कोण होता है एक दिशा होती है तो वो उसी दिशा में चलती है बिल्कुल जैसे संगीत चलता है तो वो एक लय पकड़ के ताल पकड़ कर के चलता है तो कैलीग्राफी में भी वही चीज़ है कि वो लय ताल से चलती है क्योंकि लिखावट और संगीत किसी न किसी नाद से संबंध रखता है अच्छा और हम लोग जो लिखते हैं तो सुनते हैं या उसको बोलते हैं या पढ़ते हैं है ना मतलब क्या है जो भी लिख रहे हैं वो स्वरों को लिख रहे हैं क्या वार? है ना नहीं। नहीं। और वो स्वर और व्यंजन मिला करके राइटिंग के अंदर ये सब बात है। सारी बात के जितने भी बनते हैं वो उसी शब्दावली जितनी भी है वो सब उसी तरह से बनती है मतलब लिखावट तो वो है लेकिन क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल जैसा लिखा हुआ वो देखते हैं उसी दिशा में लिखते कुछ लोग क्या है कि उसको बदल करके भी लिख सकते हैं हमने तो इसकी शुरुआत कैसे करी अभी तो इसकी शुरुआत बचपन में हो गई थी बेटा <laughs> क्या था कि अच्छी राइटिंग देखते थे तो लगता था कि कुछ कर ले तो उस समय अच्छी राइटिंग के ज्यादा नंबर भी मिलते होंगे आपको डांट पड़ती थी अच्छी राइटिंग होने के बाद भी तो ताकि क्या है कि बेट सही तरह से लिखें और सही कलम को पकड़ के लिखें या पेंसिल पहले क्या था कि फाउंटेन पेन ही होता था फाउंटेन पेन के अलावा काम नहीं होता था बॉल पेन बहुत बाद सिक्सटीज के बाद में बॉल पेन शुरू हुए अच्छा। बॉल पेन से राइटिंग का बेकार शुरू हो गया अच्छा क्योंकि बॉल पेन पेपर पे सरकता है कलम या फाउंटेन पेन उससे सट करके चलता है तब जा करके के वो लिखावट आती है बिल्कुल तो मैं यही मानता हूँ कि कैलीग्राफी जो है कागज़ और कलम का रिश्ता है इंक उसमें माध्यम है अच्छा जो वो आप लिख रहे हो जो आप कहना चाह रहे हो वो उसको उजागर करती है आपके कैलीग्राफी स्टाइल को या फिर जब आप लिख रहे हो तो उसमें इंडियन जो हमारा टच है वो कैसे आप लेके आते हो मैंने तो क्या कि कैलिग्राफी को जनरल मतलब लिखावट थी जनरल लिखना रोज का काम था क्योंकि विज्ञापन के लिए डिजाइन बनाना पड़ता था या किसी और काम के लिए डिजाइन बनाना पड़ता था तो डिजाइनिंग का काम मेरे पास था और विज्ञापन में डिजाइन बनाना है तो पहले सारा कुछ जो टाइप लिखना पड़ता था वो भी हाथ से था मैनुअल था और या फिर कटिंग पेस्टिंग करो तो मैगजीनों से कटिंग पेस्टिंग करनी पड़ती थी तो वो जमाना था हमारा उस समय जब आप मैनुअल करते थे तब कितने पैसे मिलते थे उसके जैसे पोस्टर बनाने होते थे तो हाँ। कैलीग्राफी करना होता है तो उस वक्त उस दौर में कितने रुपये मिलते थे बहुत कम पैसा होता था बहुत मतलब <laughs> <laughs> दस रुपया एक हाँ। आठ इंच की दस इंच की जो प्लेट है उसपे इतना ही मिलता था अच्छा और एक छोटा विज्ञापन जो होता था उसका दस पंद्रह रुपया मिलता था आपके सिक्सटीज की बात है सेवेंटीज में मैं थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ तो बहुत लोग मेरे पास इसलिए आते थे क्योंकि राइटिंग अच्छी थी एक हमारे उसी जमाने में सेवेंटी फाइव के अंदर एक फिल्म मेकर बड़ है बड़े सारा बढ़ बढ़ हैं तो अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है लेकिन क्या है कि उनके पोते ने एक फिल्म बनाई थी मैंने प्यार किया हाँ जी अच्छा। वो ताराचंद जाते कि जो दमाद थे वो जयपुर में रहते थे अच्छा और उन्होंने देखा कि ये राइटिंग बढ़िया करता है तो वो जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल के शादी कार्ड थे हाँ। वो लिखवाने के लिए मेरे पास आते थे कि आप ये मैटर लिख दो क्या बात बाकी का काम हमारा <laughs> <laughs> तो, तो आपने मैटर उनको लिख के देना पड़ता था और शादी का कार्ड डिजाइन कर दिया वो ले जाते फिर वो देखते कि यार कैसे लिख दिया वो तो पहली बार में बड़ी मुश्किल हुई जो फूल झाड़ू आती है उसकी तीली निकाली तीली निकाल करके उसको घिसके कलम बना करके और उसको तैयार की सब जुगाड़ का काम है और लिख दिया <laughs> वो कहते यार तुमने कैसे लिखा मैंने कहा आपके सामने बैठ के लिख देता हूँ बढ़िया तो उन्होंने बहुत प्रमोट किया बहुत ज्यादा और जब भी कभी वो काम बोलते थे तो नई की नई स्क्रिप्ट जो है वो लिखनी पड़ जाती थी कि दे देना आप वो मना नहीं करते थे कि जो आप लिखोगे वो सही है क्या इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते थे आपने जो लिख दिया वो लिख दिया तो आपको इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया बहुत लोगों ने मेरी राइटिंग को पसंद किया बिल्कुल और मैंने भी बहुत कम किया आपके गुरु कौन थे सर मेरे गुरु तो आ, ये कह लो कि मेरे टीचर सी रहे फिर मेरे फादर तो वो भी कहीं करते थे तो कैलीग्राफी नहीं करते थे वो रेलवे में थे तो टाइप वगैरह लिखना उनका पेन से ही लिखते थे ब्रश भी नहीं करते थे आ, पैन तो पेन से बड़े बड़े टाइप लिख करके स्केलिंग करके वो लिख देते थे तो हमको तो पता नहीं था कि ये टाइपोग्राफी है उस समय तक पता ही नहीं था तो वो क्या था कि अपने टिकट कलेक्टर थे तो जैसे ही आ, गाड़ी से यात्री आता था तो उसको दिशा निर्देश देने के लिए तो वो सारा कुछ टाइप करके वहाँ गेट पे स्टॉक देते थे अभी तो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट आ गए हाँ। उस समय इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं तो सब Uh, दो लाइन लिख करके फिर उसको कलर बढ़ा जाता था या इंकिंग इंक की जाती थी इस तरह से था सर जयपुर में कैलीग्राफी अभी किस स्तर पर है लोग कितना काम कर रहे हैं लोग इतने जागरूक हैं कैलीग्राफी को लेकर लोग जागरूक हैं और काम भी कर रहे हैं कुछ लोग विशेष काम करवाने के लिए ही आते हैं लेकिन क्या है कि जो इसमें जितनी मेहनत होती है वो उतनी मेहनत को पे करने में बड़ी उनको परेशानी आती है। तो हम भी ये देखते हैं कि यार जितना कम से कम पैसा हो वो इसका लिया जाए इस काम के लिए फिर क्या किया कि स्ट्रीट स्ट्रीट शो शो, बहुत किए। हाँ, सड़क नुँ। पे बैठ करके लोगों को दिखाना कि कैलीग्राफी है अरे बात कि इस तरह से राइटिंग खूबसूरत है बिल्कुल क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं उनको कैलीग्राफी का पता ही नहीं है वो पेन को पकड़ना नहीं सिखाते हमारा पेन को पकड़ना जो है वो इस तरह से रहता है जी पेन को या कलम को पकड़ना इस तरह से रहता है ये टूल आपने सर खुद ही बनाया है ये लकड़ी का ये अच्छा ये इसको ऐसे पकड़ना ताकि क्या है कि इसकी दिशा हम तय कर सके जी ऐसे दिशा तय करेंगे तो ये 60 डिग्री पे चला जाएगा क्योंकि साठ डिग्री पे ये अपने आप ऐसे पकड़ते ही पहुंच जाएगा बिल्कुल साठ पिछहतर साठ पिछहतर के बीच में ये चलेगा तो पकड़ना इसको ऐसे ताकि क्या है कि हम इसको दिशा दे सर आप स्केल पे भी करते हो होलीग्राफी हाँ तो हमने छोटे छोटे काम देखे बड़े स्केल पर हाँ बहुत बहुत सारे काम किए बहुत सारे काम किए बहुत सारे जब पहले आप काम करते थे कैलीग्राफी का और अभी करना पड़ता है तो इन दोनों टाइम में क्या क्या डिफरेंसेस देख रहे हो? था था कि पहले तो हमारा ये उसमें विज्ञापन के हाँ। या किसी कमर्शियल आर्ट के लिए था जी तो हम एक एक टाइप मतलब एक सूत का टाइप हाँ एक सूद का टाइप को हम कह सकते हैं कि दस पॉइंट अच्छा तो दस पॉइंट का टाइप भी हाँ हाँ तो तो हम हाथ से उस जमाने में लिखते थे और बड़ी विचित्र स्थिति थी तब हमको ये पता भी नहीं था कि ये टाइप है लोग उस समय इसको लेटरिंग का नाम देते थे तो हाँ तो साइड तरह के टाइम पे कैलीग्राफी की इतनी डिमांड थी जब हाँ टाइपराइटर के टाइप पे टाइप तो मतलब जो था ही था लेकिन हाथ की लिखावट भी बहुत होती थी बहुत ज़्यादा हम्म क्योंकि टाइपराइटर तो सस्ता पड़ता है कहीं ना कहीं कैलीग्राफी के मुकाबले तो टाइपराइटर में क्या है कि जस्ट दो तीन तरह के फॉन्ट होते थे हाँ वो ही डिज़ाइन वो टाइप करता था लेकिन और इसमें क्या है कि हम रोज नहीं चेंज कर सकते थे बिल्कुल तो ये बदलाव होता तो अब तक जितना आपने काम किया है आपकी सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट कौन सी रही कैलीग्राफी की स्क्रिप्ट तो क्या है कि जो आदमी जो लिखता है जी चाहे आप लिखोगे तो वो आपके नाम की स्क्रिप्ट होगी <laughs> मैं लिखूंगा तो मेरे नाम की स्क्रिप्ट होगी चाहे मैं बदल के लिखू चाहे जो एक बरसों से लिखता रहू उसको लिखू चाहे मैं किसी की नकल करके लिखू लेकिन नकल के बाद भी क्या है कि मेरा उसमें चला जाएगा और वो मेरी ही राइटिंग कहलाएगी एक्सेप्ट नकल जो है उसकी नहीं हो सकती है सही बात इसलिए मैं बिल्कुल दड़लने से कहता हूँ कि आप सिखाइए कोई भी आपकी नकल नहीं कर सकेगा हाँ आप ये सोचो कि मेरी नकल हो जाएगी और मेरी चीज चली जाएगी ऐसा नहीं है बिल्कुल पेंटिंग में भी नहीं है इसमें भी नहीं है कैलीग्राफी में भी नहीं है राइटिंग में भी नहीं है टाइपोग्राफी में भी नहीं है आपका अपना उसमें आएगा ही आएगा सही बात ये तय है बल्कि जब आप सिखाते हो तो आप और इंप्रूव करोगे ऐसा नहीं कि आपका जो सिखाया हुआ है वो कोई और लेके चला जाए हाँ बिल्कुल खुल के सिखाते हैं हम लोग किसी भी तरह से उसमें ये नहीं सोचते कि यार ये इसको हम दे रहे हैं तो ये अपनाएगा नहीं अपनाएगा या ये हमारी नकल करके ये अपनी बना लेगा बनाएगा बनाने दो क्योंकि वो काम तो करेगा ही जी अगर सीखेगा तो काम करेगा नहीं करेगा तो वो फिर बेकार है उसके लिए आ, सर जो आजकल का यूथ है वो कैलीग्राफी को लेके शायद उतना जागरूक नहीं है या फिर उत, उस तरीके से काम नहीं कर रहे जितनी पेंटिंग्स में करते हैं और सब चीजों में करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है वहाँ तक उनको नॉलेज नहीं मिल रही है या फिर चांस नहीं मिलता सीखने का नॉलेज जरूरी है जी अभी कल भी मेरे को एक आर्टिस्ट मिले थे जो पंजाब से है हरीश वर्मा करके तो वो कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी जो मुझे बड़ी दुखद लगी अच्छा उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि आपने उर्दू में क्या लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही लिख दिया मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा एटलीस्ट या तो वो दूसरे को सामने वाले को गलत समझते ये कहना उनका मुझे बहुत दुखद लगा क्योंकि मैं जब तक उस स्क्रिप्ट को नहीं लिखता हूँ जब तक मैं उसको पढ़ नहीं लेता जी या उसको जानना नहीं सही बात है जानता नहीं तो मान नहीं लेते जिस तक तो मैंने कन्नड़ भी सीखा तो उसका व्याकरण सीखा ताकि आपको क्या है कि उस शब्द को या उस वाक्य को उसी दिशा में आपको लिखना है जैसे वहाँ वो बोली जाती है तो आप अगर उसको वैसे नहीं लिखोगे तो वो स्क्रिप्ट के साथ भी अन्याय और भाषा के साथ भी अन्याय होता बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सर कितनी भाषाओं पे लिखा है मैंने बहुत सारी भाषाओं पे काम किया जी। जैसे अभी बताया कि कन्नड़ पे भी किया जी आपके तेलुगु भी लिखी तमिल भी लिखी कुछ जगह और ओडिया भी लिखी बंगला अच्छे तरह से लिख लेता हूँ क्या बात पढ़ भी लेता हूँ आराम से तो क्या है कि आदमी को गुरुमुखी भी लिखी तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप जिसको आसानी से पढ़ सको और दूसरा आसानी से उसको पढ़ सके पढ़ सके तो आपको वो लिखना है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठीक है कंटेम्प्रेरी में चल जाता है सब मिक्स चल जाता है अभी उनके कल का एक डायलॉग है जो अखबार में छप गया अच्छा क्या? लेकिन क्या है कि उन्होंने गलत लिख रखा था क्या डायलॉग? बोलना को बेलना लिख रखा था <laughs> तो क्या है कि भाषा के साथ में हो जाता है। जी। आपने लिख बेलना रखा है और आप कहते हो कि इसमें बोलना लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है गलत। एक मात्रा थोड़ी सी गलती बहुत बड़े और नुकसान कर सकती है अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर है ना सर अभी कैलीग्राफी में कितना स्कोप है कैलीग्राफी में स्कोप तो बहुत है जी लेकिन उसको करने वाला चाहिए अच्छा जैसे अगर बच्चे कैलीग्राफी को अपना क्वेश्चन हाँ। बनाए तो इसमें तो क्या क्या करिए पहला ए, बेस ये है कि पहले तो राइटिंग सीखे जी तरीके से बिल्कुल और राइटिंग सीखने के बाद में एक सर्टेन नाप होता है तो उस नाप को लगाना पड़ता है और वो नाप कलम से ही लगता है जिससे आपको लिखना है उसी से ही नाप आपको लेना पड़ता है और फिर आपको उसको लिखना पड़ता है तो क्या है कि इंग्लिश राइटिंग में एक ही चीज है कि पहले स्मॉल लेटर फॉर्म्स आए पहले स्मॉल लेटर सीखो स्मॉल हाँ। के अलावा थे नहीं कुछ भी कैपिटल की बहुत बाद में जाकर की जरूरत पड़ी अच्छा क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी अब उसमें कैसे पता लगे कि कहाँ छूट रहा है कहाँ से कुछ हो रहा है तो Small को बड़े रूप में लिखने का काम शुरू हुआ जी और बड़े रूप में भी कई बार क्या है कि कलम नहीं चल रही है, है। तो उन्होंने क्या किया कि दो लाइन के बीच में राइटिंग शुरू कर लिखी और फिर उसको फिल अप किया या डेकोरेट किया तो इस तरह से राइटिंग आई धीरे धीरे कैपिटल आए और कैपिटल आने के बाद में ये सब कैपिटल और इसका इस्तेमाल होने लगा सर बच्चों के लिए क्या आगे स्कोप है इसमें अगर जो अब नए बच्चे बच्चों को सबसे पहली बात यह है कि आपको राइटिंग ही दुरुस्त करनी है कई तो जगह जैसे टाइटल लिखने पड़ते हैं कई जगह स्क्रिप्ट पूरी लिखनी पड़ती है कई जगह जैसे मान लो कोई कार्ड है या कोई भी ग्रीटिंग्स है या कुछ भी ऐसी जो मटेरियल है जो आपको लिखना पड़ रहा है तो वहाँ पर आपको कलम या उसकी जरूरत पड़ती है लेकिन अभी सब कुछ डिजिटल हो गया अब प्रिंटिंग मशीन आ गई हैं सब डिजिटल बन गया हाँ तो अब कैसे कैलिग्राफी उस चीज को मैनेज करेगा कैलिग्राफी में ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आर्ट का यही मकसद है जी कि पहले जो आर्ट करता है पहले वो खुश होता है उसको जो देखता है या दर्शक है वो खुश होता है बिल्कुल इट मींस क्या है कि रंजन का काम चलता रहता है खुशी के लिए तो अगर खुशी नहीं मिलती है किसी को आपके काम से जी। तो समझो आपकी आर्ट बेकार बेकार सही बात और अगर खुशी मिलना शुरू होता है तो आप क्या इट मीन्स वो सबके लिए अच्छी है अच्छा तो आर्ट के साथ में चलेगा ही चलेगा क्या है कि वैसे भी नाराज हो जाएंगे हाँ। आप कितना ही बढ़िया काम करो सही बात तो भी नाराज होएंगे बिल्कुल और कितना बढ़िया काम करो उससे लोग खुश भी होंगे तो ये चलता रहेगा मैं ये कह रहा था सर कि आपको तो ये नहीं लगता कि जब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है हु? आजकल आ, आ, सब डिजिटल बन जाता है कैलीग्राफी टाइपोग्राफी सब हो जाती है तो हाथ से जब लिखना कैलीग्राफी जो है वो बहुत कम तो हो चुका है क्या भाई खत्म तो नहीं हो जाएगा ये ये हाथ की लिखी हुई चीजें खत्म तो है। से क्या है कि लिखना अब हो कम हो चुका है बिल्कुल कम हो चुका है क्योंकि अब क्या है कि जो संवाद है वो भी क्या बरी में चल गया बिल्कुल जैसे कुछ शब्द आ गए जैसे हाय आ गया पव आ गया तो इस तरह के टुकड़ा शब्द आ गए जिनको छोटी कह सकते तो ये सारा ब्रीफिंग हो गया आ. अब आप मोबाइल पे लिखते हो तो वो भी ब्रीफिंग में लिखते हो तो ये ब्रीफिंग तो आ गया लेकिन इसके बावजूद भी अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जी कि वापस से लोग अपनाएंगे और लिखेंगे और चालू रखेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो है ये राइटिंग है राइटिंग के अच्छे दुरुस्त लिखने के लिए या सुंदरता देने के लिए आपको कैलिग्राफी की जरूरत पड़ती है और कैलीग्राफी का मतलब यह है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से लिख रहे हैं या कलम से लिख रहे हैं। तो कलम से लिखना कैलीग्राफी मतलब लेटर फॉर्म्स को नई दिशा देना तो आप सैकड़ों टाइप पे हजारों की तादाद में आप फॉन्ट देख रहे हैं उसका बेस वही से है कैलीग्राफी से बिल्कुल है मुझे जब मेरी बीबी को सिखाना पड़ गया तब ये मुझे सारा कुछ इसके लिए एक फंडामेंटल तैयार करना पड़ा और वो फंडामेंटल मैं आज भी अपनाता हूँ फिर इसके लिए जब मुझे कह दिया गया कि आपको यार ये स्टडी देनी है तब तो फिर मुझे एडवर्ड जॉन्स्टन को फॉलो करना पड़ा एडवर्ड जॉन्स्टन है उनकी 300 पेज की किताब है और उन्होंने बहुत कुछ हज़ारों राइटिंग्स उन्होंने देखी और कई दो तीन हज़ार साल पहले तक की राइटिंग्स उन्होंने देख करके फिर उससे अंदाज लगाया कि पहली राइटिंग जो है रोमन आई है रोमन से और दूसरी बेसिक राइटिंग्स आई है और उन बेसिक राइटिंग्स की वजह से जो है आपके इतने सारे फोन डेवलप हुए हैं कि आज उनको देखा जा सकता है और एक राइटिंग दूसरी राइटिंग को मतलब प्रमोट करती है बढ़ावा देती है वो क्या किया है की कि जैसे एक राग चलती है दो राग चलती है तीन चलती है राग चलती रहती है गायन में बिल्कुल म्यूजिक में बजती रहती है धुन चलती रहती है लेकिन कई बार क्या होता है कि दो रागों को मिक्स करके एक नई राग बना दी जाती है। तो ऐसे ही जो फ़ॉन्ट बनाने में या राइटिंग लिखने में भी ये सारे प्रयोग हुए हुए। मुझे भी, भी पता नहीं था लेकिन क्या है कि जैसे अरेबिक या उर्दू के अंदर दो वो है नस्त और तलीक। अच्छा और जब इनको मिक्स करके लिखा गया तो नस्त लीक उसका नाम फड़ा क्या बात है तो जब मुझे वगा ये नजर आया कि यार जब नस्तली बन सकता है दो से निखे। निखे। तो हम क्यों नहीं लिख सकते सही बात है तो मैंने बहुत तरह की राइटिंग्स लिखी फेवरेट कौन सी आप फेवरेट तो अब मैं कह रहे सकता कोई एक दो पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है लिखने में अभी ये क्या है कि इसमें एक फॉन्ट फॉन्ट नहीं कहते हम राइटिंग कैसे है सकते हैं इसको है। जिसका नाम है कोथि कोथि ही जे कोथि का मतलब ये है कि जो आप वो जल्दी लिखने वाली राइटिंग है तो वो आपकी फाउंटेन पेन से बिल्कुल लीनियर होती है लाइन की जैसे जिसको कर्सिव कहते हैं कर्सिव कर्सिव राइटिंग एक तरफ झुकी होती है और वो कर्सिव राइटिंग जो है जब गौथिक में कन्वर्ट होती है तो वो मतलब उसमें जब कलम चलती है तो वो थिकनेस पकड़ दी जाती है इसलिए उसको गौतिक कहते हैं और गौिक में क्या है कि शार्पनेस आती है नुकीलापन है ठोस या रोबस्ट मतलब वो नहीं है उसमें नहीं। उस राइटिंग में तो वो बहुत पसंद है और गौतिक में मैंने बंगला भी लिखी गौतिक में हिंदी भी लिखी क्या बात और ऐसी ऐसी राइटिंग्स लिखी कि और गौतिक को चेंज करके भी लिखी जैसे दो राइटिंग मिक्स करके तीन राइटिंग मिक्स करके भी मैंने सर कैलीग्राफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होती है हमारे फेस्टिवल्स जब आते हैं इंडिया का जो ट्रेडिशन है जिसमें हम घर के बाहर शुभ लाम लिखते हैं वहाँ से शुरुआत होती है हम लोगों ने भी लिखा है तो आपको क्या लगता है कि कैलीग्राफी कितनी ज़्यादा जरूरी है हमारे इंडियन कल्चर uh, में बाहर जो साइल वगैरह जो भी होते हैं उसमें टाइपोग्राफी हो जाती है वो कैलीग्राफी नहीं रहती पहले कैलीग्राफी थी हाँ, हाँ। पहले कैलीग्राफी है तो जितना भी पेंटर काम करता है या वो दीवार में लिख जाता है वो कैलीग्राफी है जी वो कैलीग्राफी है क्यों वो लिख के हाथ से पेन या कलम या ब्रश काम है स्ट्रोक को पकड़ना बिल्कुल लेना मतलब हाँ भाई मैंने जैसे इसमें ये स्ट्रोक इस लिया जी ये स्ट्रोक स्ट्रोक ये लिया जी ये लिया, ये लिया और ये स्ट्रोक को ऐसे मूवमेंट दिया बिल्कुल तो ये मतलब क्या है कि एक मूवमेंट है तो जो भी राइटिंग पहले लिखी जाती थी वो कैलीग्राफी ही थी तो साइन बोर्ड में या किसी में जहाँ वो पेंटिंग के हिसाब से आ गई जैसे ही उसमें दो राइटिंग मिक्स हो गई या उसमें कुछ डिजाइन आ गया तो वो टाइपोग्राफी हो गया सब वहाँ टाइपोग्राफी आ गई कैलीग्राफी नहीं रही ठीक है कैलीग्राफी जो डायरेक्ट टाइप लिखा जा रहा है वो कैलीग्राफी है नहीं सर ये क्या है जम्मू गया तो वहाँ बच्चों को सिखाना पड़ गया तो सिखाने के टाइम पर उनको स्ट्रोक लेना सबसे बेस्ट था मतलब जरूरी था स्ट्रोक को कैसे चलाते हैं मतलब एक कलम से आप कितनी दूरी पकड़ रहे हैं जी। कैसे उसको चला रहे कौन से एंगल या किसी सर्टेन दिशा में चला रहे जी। वो दिशा पकड़ने के लिए ये सारी प्रैक्टिस को दिखाई वहाँ पर ये आ, ये कहा लिखा हुआ है हाँ ये क्या है लिखा हुआ अब इसमें तरह तरह के क्या बन गए अब ये तरह तरह के जो कैन लिखे गए हैं इससे इतने से एक पेज पर 125 सौ के इसमें लिखे हुए 125 तरह के के लिख लिखा हुआ है इसके अंदर हाँ जी ऐसे ही आप कई रहे कोई सा भी एक स्ट्रोक पकड़ करके और आप कई तरह के आप उसमें नमूने तैयार कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है है ना तो स्ट्रोक को चलाना स्ट्रोक को कितना दूर ले जाना दूर ले जाने का मतलब जैसे आपने कोई सुर पकड़ा है ना उसका एक आलाप लगाया बिल्कुल आलाप लगाने का मतलब वो सुर आपका खिंच गया दूर चला गया खिंच गया हम आलाप लगाना तो राइटिंग में भी वही है कि

मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ हैं मेरे उसमें तो बच्चों को नाम लिख करके देते हैं तब बच्चे अपना मूवमेंट करते रहते हैं उनके हरकतें चलती रहती है और इधर हरकतें चलती रहती है जैसे म्यूजिक से आपके पास में जैसे कोई वेव आ रही है कोई तरंगे आ रही है वो आपको आंदोलित कर देती है वैसे ही वो काम चलता रहता है तो ये बिल्कुल रिलेटेड म्यूजिक से रिलेटेड सारी चीज है क्या तो ये जैसे क्या लिखा है सर आपने तो नाम लिखा हुआ है महिमा ये है इसमें सा सा ए ये एन ये आई और ये ए सानिया सानिया ये पंजाबी में लिखना था हाँ। अच्छा अच्छा ये उसमें गुरमुखी में गुरमुखी में लिखता है दीते सर ये सानिया क्या बात है सर सर हम भी आपको थोड़ा परेशान करेंगे अभी आपने ये हमें लिख के दिखाया है तो ये बहुत ही खूबसूरत सर ने लिखा है अभी ओवल और ये लिखा है सर ने आर्ट और अब सर मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आप स्टूडियो लिख के दिखाइए कि वो कैसे स्टोक्स होंगे जो हम सब देखेंगे हमारी ऑडियंस देखेंगे नहीं तो, तो एक बार स्टूडियो लिख के दिखाइए सर स्टूडियो 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 जी तो हमारा ओवर आर्ट स्टूडियो हो जाएगा फ्रोता फ्रो ठीक एक खाली डेली नीचे वो ठीक वो ठीक वो पेपर देना बड़ा सा लिखेंगे सर खाली पेज उस पर पॉलीटेक्निक में सिखाने का और पॉलीटेक्निक में साड़ी पे कैलीग्राफी कराने का काम हुआ क्या बात तो फिर मैंने पहले बच्चों को कुछ नहीं किया नहीं। सिखाया क्या बात और मैंने कह दिया उनको टीचर्स कहने लगे आपके 10 दिन की वर्कशॉप में आउटपुट नहीं है अच्छा मैंने कहा मैं आउटपुट नहीं दूंगा नहीं। आपके बच्चे अपने आप आउटपुट देंगे मेरा काम है सिखाने का मैंने सिखा दिया कलर बनाना सिखा दिया ब्रश चलाना सिखा दिया सारा कुछ सिखा दिया बच्चों ने अपना काम जारी किया नहीं। और करके दिखा दिया तब उनका आउटपुट जब तक सिखाना था जब तक मैं उनका टीचर था जब वो काम कर रहे थे तो मैं उनका हेल्पर था क्या बात है और मेरी जो साड़ियां बनी वो आज भी सुरक्षित रख रखी है उन लोगों ने Yeah, मैंने उनको कहा कि आप इन बच्चों को लौटाइए ताकि कोई नई चीज और बनने की रिजा है। सही बात है लेकिन वो लौटाते ही नहीं है वो तो एक बार लेकर के रख लिया रख लिया छह साल सात साल हो गए अच्छा उनको तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों ने जो मेहनत की है वो उनको देना चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल करे और वो उसको दिखाए कि देखो हम ये करके आए वो दूसरी जगह जाके क्या दिखाएंगे कुछ है नहीं, खाली फोटोग्राफ दिखाएंगे उससे पढ़नी पड़ती है ओरिजिनल कोई चीज रहती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है ओरिजिनल काम दिखाने का सही बात तो क्या सही थी? तो ये जो बेल बोट है ये बनाना ये भी कलम का काम है। और ऐसे ही कलम जब चलती है सर इस पे ना आप सिग्नेचर कर दीजिए साइड में तीनों तक ये हम आपकी दर और अपने पास सुरक्षित रखेंगे अभी ये जो नंबर्स से वो हिंदी के हाँ वो हिंदी में लिखा है आपने ये हाँ ताकि क्या है कि लोगों को पता तो रहे कि हिंदी के भी नंबर्स होते हैं क्योंकि इंग्लिश के तो ऐसे ही बंगला में बंगला के नंबर्स से आपके उर्दू में और अरबी के जो नंबर्स है वो है जी सर तो अपने नंबर्स छोड़ने चाहिए ओडिया में है बिल्कुल ओडिया के अलग नंबर है आपके इसमें बंगला के ओडिया के नंबर मिलते हैं थोड़े से गुरुमुखी के जो नंबर है वो हिंदी के उससे मिलते जुलते हैं मतलब कैलीग्राफी करते हुए आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी आपको हाँ। कैलीग्राफी में काम करी रहा हूँ वो था बहुत सारे काम किए सैकड़ों रहा हूँ और चाहे इसमें कुछ देख सकते हैं काम हाँ दिखा रहे है ना अभी जो ये मैं दिखा रहा हूँ देख तो ये ही पेन है इतनी चौड़ाई का पेन है हाँ आ, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए आपने कैलीग्राफी की बहुत बारीकियों के बारे में हमें बताया कि कितना ज़रूरी है कैसी चीज़ें शुरू हुई ये सब तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ये बहुत बहुत धन्यवाद जी और जो आपके दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद मुझे लगता है कि उन्होंने जो छोटी सी चीज है ये लेकिन उसको अच्छे से जाना बिल्कुल सर क्योंकि जो चीज है असली वो दे बताते लोग सही बात है आपके उस पे youtube पे भी देख सकते हैं ये हमारा ओवर आर्ट स्टूडियो है इस पे ये बताइए लोगों को कि हम जो ये कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों से बातचीत करके डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जो ये कास्ट हाँ। है लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज है कि जो आर्ट के है या आर्ट से बाहर के जी वो लोग इस जो विदा है जिसको जाने सही बात है और ये विदा जानना वो जरूरी है क्योंकि जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसमें कि ये झटपट में हो गया नहीं।, पर नहीं होता नहीं। है टाइम लगता है इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है सही बात है और रोज मेहनत में अभी मैंने क्या किया है कि ये जितना डेकोरेशन है एक फ्रेंच डेकोरेशन को मैंने हटा दिया जी फ्रेंच डेकोरेशन अलग होता है अच्छा है ना उसमें कई बार क्या है कि आपका लेटर फॉर्म है वो पढ़ने में नहीं आते हाँ जी बिल्कुल और उसका डेकोरेशन भी बहुत बारी बारी होता है लेकिन उसके साथ में स्केल चलती है हमारे इसमें स्केल नहीं है नहीं। और बेल बूटी पे आ गए डेकोरेशन भी हो गया दोनों काम होंगे सही बात तो ये मेरी एक उपलब्धि है कि मैंने ये चेंज किया बड़े बदला और बहुत सारे इतना तरह से मैंने इसमें बदला, और इतना काम किया कि बहुत मजा आया बहुत शुक्रिया सर आप बात करती ओल सारे वेलिंग थैंक यू सर